नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। हिंदू धर्म में खासकर लड़कियों को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। बेटियां हर माँ बाप की लाडली होती हैं, एक राजकुमारी की तरह होती हैं, लेकिन पराया धन होती हैं। इसलिए हर माँ बाप एक ना एक दिन अपनी बेटी को विदा करते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बेटी की शादी करना माँ बाप के जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बेटी के लिए सही वर चुनना, उसकी शादी के इंतजाम का सही होना और उसकी विदाई में कोई भी कमी ना रह जाए, इन बातों का ध्यान रखना माता पिता के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही बेटी के होने वाले परिवार और रिश्तेदारों को ब्याह में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इस चिंता में भी रहते हैं। माँ बाप के लिए बेटी की शादी करना महज एक जिम्मेदारी ना होकर प्यार और स्नेह व्यक्त करने का भी तरीका है। आजकल के आधुनिक युग में जिस तरह से शादियां हो रही हैं, वो पहले के जमाने के मुकाबले काफी अलग हैं, लेकिन भावनाएं वही हैं। आजकल माता पिता भले ही अपनी बेटियों की शादी में कुछ रस्मों रिवाजों को नज़रअंदाज कर दें, लेकिन अपने मन की सभी इच्छाओं को अपने तरीके से पूरा जरूर कर लेते हैं। इन्हीं इच्छाओं में से एक है बेटी को बेस्ट गिफ्ट देना। आजकल बेटी की विदाई में ढेर सारे तोहफे तो दिए जाते हैं, लेकिन वो एक खास तोहफा भी उनमें होता है जो माता पिता खास तौर पर अपनी बेटी को देते हैं। ऐसे में कई लोग अपनी बेटी को विदाई के वक्त गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर भेंट में देते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, यानी कि जहां वो होंगे वहां कभी भी कोई विघ्न नहीं आएगा। गणेश जी को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। बस इसी विश्वास से माता पिता बेटी को गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में दे देते हैं। लेकिन अगर आप भी अपनी बेटी को ऐसा तोहफा देने की सोच रहे हैं तो अपना विचार तुरंत बदल लें। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दरअसल शास्त्रों के अनुसार बेटियां घर में लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं और भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का एक साथ होना धन के आगमन का संकेत है। ऐसे में अगर आप घर से जाती हुई लक्ष्मी को गणेश जी भी भेंट में दे देंगे तो बेटी के मायके को धन की बड़ी हानि होती है। वो जाती हुई घर की सुख समृद्धि साथ ही ले जाती है। इसलिए कभी भी बेटी को आपको गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में नहीं देनी चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटी को तोहफे में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर कभी ना कभी दे चुके हैं और उन्हें इस कारण गरीबी का सामना भी करना पड़ रहा है। तब सवाल आता है कि ऐसे में अब क्या किया जाए, कैसे इस गलती को सही किया जाए। तो आपको बता दें, ऐसे में आप अपनी बेटी से गणेश जी की कोई मूर्ति तोहफे में वापस ले सकते हैं। ये बहुत ही शुभ रहेगा, यानी कि अगर घर की बेटी घर में गणेश जी की मूर्ति तोहफे में देगी तो इससे घर में बरकत बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी भी घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। अब अगर नई मूर्ति आप खरीदना चाहते हैं तो आपको बता दें, गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी सूंड की दिशा किस तरफ है। ध्यान रखें कि मूर्ति में उनकी सूंड हमेशा बाईं तरफ होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से उनका रख रखाव आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दाईं तरफ सूंड वाले गणपति को घर में नहीं लाया जाता, ऐसी मूर्ति भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन दाईं तरफ सूंड वाली मूर्ति की पूजा पाठ का विधान बिल्कुल अलग होता है और सही तरीके से अगर पूरे विधि विधान से पूजन ना किया जाए तो ऐसे में आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसी मूर्ति लाने से बेहतर है कि आप ऐसी मूर्ति को घर में लेकर आएं जिसमें उनकी सूंड दाईं तरफ हो। इसके साथ ही अगर आप गणेश जी की मूर्ति ना देकर सिर्फ उनकी तस्वीर दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि उनकी लंबाई 18 इंच से कम ना हो। अगर गणपति की मूर्ति खंडित हो गई है या उसे सिर्फ सजावट के लिए आपने घर में लगाया हुआ है तो उसकी पूजा कभी ना करें। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर में सफ़ेद गणेश जी का रखना बहुत ही शुभ माना जाता है।
दोस्तों, अगर बेटी के अलावा आप किसी और को तोहफे में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या तस्वीर किसी को तोहफे में देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल शास्त्रों में ये भी माना गया है कि गणेश जी को शुभ और लक्ष्मी जी को लाभ के लिए घर में स्थापित किया गया है, तो ऐसे में अगर आप किसी को लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में देते हैं तो इससे आपके घर की सुख समृद्धि आप उसे गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं, इसलिए ये गलतियां भूलकर भी ना करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।